अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे स्फेरिकल मिरर्स। तो आज हम इस स्फेरिकल मिरर में लास्ट लेक्चर करेंगे जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। लाइक यहां पे हम देखेंगे, अगर हम स्पेसिफिक पार्ट किसी मिरर का हाइड करेंगे या कोई स्पेसिफिक पार्ट मिरर का हम क्या करेंगे, कट करेंगे, तो इमेज पे क्या इफेक्ट होगा। इसी तरह दूसरा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे वेलोसिटी रिलेशंस के बारे में, और फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स पे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। सो लेट्स बिगिन विद द कटिंग ऑफ मिरर्स। अगर हम मिरर को कट करेंगे या हाइड करेंगे स्पेसिफिक पार्ट, देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कनकेव मिरर था या कन्वेक्स मिरर, सेम है, दोनों के लिए एक ही रिजल्ट आएंगे। सपोज ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मैंने एक कंकेव मिरर लिया है, इसकी कोई स्पेसिफिक फोकल लेंथ होगी, और ये मैंने यहां पे लिया है प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं क्या करता हूं, कभी क्वेश्चन सपोज फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट आपने यहां पे रखा हुआ है, दिस द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आपने यहां पे रखा हुआ है, तो इसकी इमेज कहीं पर बनेगी। सो अगर हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम इसकी पोजिशन जो है इमेज की वो हम लोकेट कर सकते हैं। सपोज लेट मी अज्यूम कि इसकी इमेज यहां पे बनती है, सपोज इसकी इमेज यहां पे बनी है आई, वी आर हैविंग ए कंकेव मिरर ऑफ सर्टेन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है ओ एट सम डिस्टेंस। अब मुझे पता है यहां पे इस ऑब्जेक्ट ओ की कोई इमेज बनेगी, लेट्स एज्यूम इसकी इमेज आई बनी है यहां पर। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर हम इस मिरर का ये अपर पोर्शन या लोअर पोर्शन, इस मिरर का अपर पोर्शन या लोअर पोर्शन, इसको आप कवर करेंगे, लेट्स सपोज मैंने इस पे कवरिंग ऐसे लगाई है, ऐसे मैंने इस पोर्शन पे कवरिंग लगाई है, किसी ओपेक सब्सटेंस की मैंने कवरिंग लगाई है, सो आई हैव टॉप कवर्ड दिस हाफ पार्ट ऑफ द मिरर। तो आपने बोला यहां पर इमेज पे क्या असर होगा, यानी इमेज वहीं पर बनेगी कि शिफ्ट हो जाएगी, इमेज का साइज सेम होगा कि डिफरेंट आएगा, या इमेज की इंटेंसिटी पे क्या असर होगा यहां पे। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट हमने यहां पे देखने हैं। देखो आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप इस पोर्शन को हाइड करेंगे, कवर करेंगे, या जरूरी नहीं कि आप पूरा पोर्शन कवर करो, अगर आप इसका हाफ भी कवर करेंगे या अगर आप लोअर पोर्शन इसका हाफ नीचे कवर करोगे, तो जो इमेज बनती है इमेज की पोजिशन और उसका साइज जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। जो इमेज है जहां पर वो पहले बनती थी वहां पर अब से भी बनेगी, क्योंकि अब भी आपके पास ये मिरर है, यहां पे इस मिरर के लिए यही प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी फोकल लेंथ सेम है जो इनिशियली थी, जो इस पूरे मिरर की फोकल लेंथ है वही इस छोटे वाले पार्ट की भी फोकल लेंथ है। सो इसलिए फोकल लेंथ चेंज नहीं हो गई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज नहीं हो गई है, इसलिए इमेज डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगी, सो इट विल फॉर्म इट्स इमेज एट द सेम पोजिशन। जो लोअर पोर्शन है बनेगा फिर इस लोअर पोर्शन की वजह से इमेज इसी जगह पर बनेगी, और मैग्निफिकेशन फिर से सेम होगी, यानी साइज ऑफ इमेज फिर से सेम आएगा, क्योंकि यहां पे यू चेंज नहीं हो गया, वी चेंज नहीं हुआ, एफ चेंज नहीं हुआ, जब कोई पैरामीटर चेंज नहीं होगा तो साइज ऑफ द इमेज भी अनइफेक्टेड रहेगा। सो दैट मीन्स इन दिस केस इफ ए सर्टन पार्ट सर्टन पोर्शन ऑफ ए मिरर, जरूरी नहीं कि कॉनकेव हो, ये कॉन्वेक्स के लिए भी एप्लीकेबल है, इफ ए सर्टन पोर्शन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कवर्ड विद सम ओपेक सब्सटेंस, देन The position, size and nature of image remains unaffected. However, अगर हम इंटेंसिटी की बात करेंगे, जो ब्राइटनेस इमेज की होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि ब्राइटनेस डिपेंड करती है जो यहां पे एरिया आता है इस मिरर का,
इसके एरिया पे डिपेंड करती है यहाँ पे क्या ब्राइटनेस ऑफ द इमेज। अब एरिया कम हो गया यहाँ पे इसलिए यहाँ पर ब्राइटनेस कम होगी। सो हाउएवर द ब्राइटनेस हाउएवर द इंटेंसिटी ऑफ इमेज चेंज इन्हें रिड्यूस होगी इस केस में। सो अब जरूरी कि यही कंसेप्ट हो, कभी कभी क्या आएगा ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास एक कंकेव मिरर है आपके पास, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे आपने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इसकी कहीं इमेज बनेगी इनिशियली, सपोज इमेज यहां पर बनी है। अब आप क्या करते हो, आप स्पेसिफिक रीजन यानी इसको आप हाइड करेंगे इस रीजन को, या इसको आप काट ही लीजिए, आप कट कीजिए आप इसको इस तरह, यहां पे आप इसको कट कीजिए इस पोर्शन को, इसी तरह यहां पर आप कट कीजिए एक पोर्शन को, यहां पर आप कट कीजिए इस पोर्शन को। देखो अब हमारे पास मिरर खाली इतना रहा, ये दिस दिस एंड दिस। अब देखो इमेज फिर से एक ही बनेगी, फिर से इमेज आई बनेगी यहीं पर, सो इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं होगा इमेज पे, क्योंकि इट इज एज इफ कि आप यहां पे इसको कवर करते हो, इसको आप हाइड करते हो, इसको आप यहां पे ओपेक सबस्टेंस से हाइड करते हो, इसको आप ओपेक सबस्टेंस से हाइड करते हो, इसको आप ओपेक सबस्टेंस से हाइड करते हो। सो इमेज विल रिमेन अनचेंज्ड और सिंगल इमेज ही बनेगी, इमेज सिंगल बनेगी और यहाँ पे इमेज की पोजिशन उसका साइज उसका नेचर वो चेंज नहीं होगा। हाँ खाली यहाँ पे इंटेंसिटी यहाँ पे चेंज होगी इमेज की, सो इसके लिए भी सेम ही रिजल्ट आएंगे। So if a certain portion of a spherical mirror is cut or is hide, is covered by means of some opaque substance, then the position of the position, size and nature of image will remain unchanged. However, the intensity will change. तो इनके लिए सेम आएगा, सिंगल इमेज यहां पर भी बनेगी, सिंगल इमेज ये भी इसी जगह पे इमेज बना गया, ये भी इसी जगह पे। सो इसलिए यहाँ पे सिंगल इमेज ही बनेगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होगी अब, क्योंकि यहाँ पे अब लाइट जो आती है वो कम एरिया से आती है। पहले ये पूरा एरिया जो इस मिरर का था पूरे एरिया से लाइट आती थी, इसलिए वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा थी। अब यहां पर यहां से लाइट नहीं आ रही है, इस पोर्शन से लाइट नहीं आ रही है, इसलिए यहां पे इंटेंसिटी कम होगी इमेज की। तो ये रिजल्ट एप्लीकेबल है कन्वेक्स मिरर के लिए भी, सेम है। हो गया एक कंसेप्ट यहाँ पे आपने सीखा है। सो दैट मीन्स अगर आप मिरर का कोई स्पेसिफिक पोर्शन हाइड करते हो या कवर करते हो या उसको आप कट ही करेंगे, सो देन जो इमेज बनती है वो वहां पे उसका साइज उसका नेचर उसकी पोजीशन वो अनइफेक्टेड रहेगी, एक्सेप्ट कि वहां पे इंटेंसिटी ऑफ द इमेज चेंज हो जाएगी। हो गया एक कंसेप्ट। अब दूसरा यहां पे ऐसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, ये आपके पास एक मिरर था, ये मेरे पास एक मिरर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी इसकी, चलिए अब देखो क्या होगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे, लेट सपोज ये है ऑब्जेक्ट ओ, ये इसकी इमेज बनी है सपोज आई। अब हम फिर से इस मिरर को कट करेंगे, इस मिरर को हम एट दिस पॉइंट एट द मिड पॉइंट ये इस पॉइंट पे हम इसको कट करेंगे, तो अब ये ऐसे बनेगा। फिर जो कट ऊपर वाला पोर्शन है इसको मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट करूंगा ऐसे बाय सम डिस्टेंस से एक्स, इसको मैं नीचे शिफ्ट करूंगा लोअर वाले पोर्शन को बाय सम डिस्टेंस से वाई, या इसको मैं अपनी जगह पर भी रखूंगा कोई बात नहीं। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन मैं ऐसे शो कर सकता हूं, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये एक मिरर है अपर पोर्शन, इसको मैंने ऊपर लिया है, इसकी अपनी प्रिंसिपल एक्सिस भी ऊपर शिफ्ट होगी तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे आएगी, तो ये है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे। तो जो लोअर पोर्शन है इसको मैं नीचे शिफ्ट करता हूं, इसको मैं यहां पे ले आ रहा हूं, इसको मैं यहां पे लाता हूं ऐसे, तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी अपने साथ ही शिफ्ट होगी ऐसे। तो अब जो ऑब्जेक्ट ओ है यहां पर
जो ऑब्जेक्ट ओ था हमारे पास। अब देखो इस ऑब्जेक्ट ओ की अब दो इमेजेस बनेंगी। ऐसी सिचुएशन में ये लेट्स सपोज ये है यहां से यहां तक एक्स, ये है यहां से यहां तक वाई। तो इस सिचुएशन में इस ऑब्जेक्ट की दो इमेजेस बनेंगी। इसमें एक इमेज देखो, एक इमेज इसकी वजह से बनेगी। तो ये यहां पे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, दूसरी रे मैं लेता हूं सपोज ऐसे, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो यहां पर ये इमेज बनाएगी ये मेरा, लेट्स सपोज आई वन इमेज बनाई अपर पोर्शन वाले मिरर में। अब जो लोअर पोर्शन है इसी तरह ये भी आपकी इमेज बनाएगा। ये है एक इंसिडेंट रे, ये यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होके आएगी। दूसरी इंसिडेंट रे सपोज ऐसे है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके आएगी। नाउ दीज टू रिफ्लेक्टेड रेस विल मीट हियर, ये इसकी इमेज बनेगी आई टू। सो और ये आप इसको ऐसे भी रख सकते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि अगर आप एक को ही शिफ्ट करेंगे, एक को अपनी जगह पर रखेंगे, लेट्स सपोज ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, लेट्स सपोज अपर वाला मिरर जो ये मैं अपनी जगह पे रखा, एक्स अपनी जगह, ये अपर वाला पोर्शन जो ये अपनी जगह पर है ऐसे, तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो इसी पर रहेगी। सो अगर ऑब्जेक्ट यहां पर था आपका ओ, तो ये जहां पर इमेज बनाता है अब भी इसकी इमेज वहीं पे बनेगी आई, जो ये इमेज थी आई, तो ये यहीं पर बनाएगा इसकी इमेज। लेट्स सपोज ये लोअर पोर्शन है, इसको मैं थोड़ा शिफ्ट करता हूं डाउनवर्ड्स, इसको मैं नीचे ला रहा हूं ऐसे ऐसे, तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी शिफ्ट होगी नीचे, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस नीचे शिफ्ट होगी। कितना मैंने शिफ्ट किया, वाई, तो ये मैंने वाई शिफ्ट किया है। सो इसमें क्या होगा, ये एक रे ऐसे जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी, दूसरी इंसिडेंट रे ऐसे, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी। सो ये दो रिफ्लेक्टेड रेज यहां पर मीट करते हैं, इसलिए ये बनेगी इमेज इसकी वजह से। सो इस तरह से इसमें भी दो इमेज बनी, एक आई वन बनी इस मिरर की वजह से, इस मिरर की वजह से, और एक अपनी इमेज बनी है आई टू सपोज। तो दैट मीन्स इन शॉर्ट देखो यहां पर और यहां पर क्या डिफरेंस है। इसमें जब आपने कट किया था मैंने बोला उसके बाद भी, उसके बाद जो नंबर ऑफ इमेज है वो एक ही रहती है, इसमें नंबर ऑफ इमेज एक ही रहती है। लेकिन इस केस में आप देख रहे हो कि यहां पे आपने कट किया है और यहां पे दो इमेज बनती है। उसका रीजन ये है कि यहां पे हम डिस्टर्ब नहीं करते थे इस सिस्टम को, जो पोर्शन जहां पर था यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट यानी मिरर को हम शिफ्ट नहीं करते थे, इसलिए यहां पर नंबर ऑफ इमेज सिंगल बनती थी, क्योंकि सबके लिए प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है, इन सबके लिए प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है, इसलिए यहां पर एक ही इमेज बनती है। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया, जब मैं इसको अपवर्ड शिफ्ट करता हूं या डाउनवर्ड शिफ्ट करता हूं तो मैं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर ले जाता हूं, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस नीचे ले जाता हूं, इसकी वजह से यहां पर इमेज में शिफ्ट आ जाते हैं। तो इसकी इमेज जो है, इस पोर्शन की इमेज अपवर्ड शिफ्ट होगी, इस पोर्शन की इमेज नीचे शिफ्ट होगी। तो अकॉर्डिंगली यहां पे एक ऑब्जेक्ट की दो इमेज आती है, लेकिन यहां पर सिंगल इमेज आएगी जितने भी आप इसको पोर्शन में डिवाइड करोगे। सो अब इन शॉर्ट हम याद रखेंगे, इफ ए मिरर इज कट एंड डिस्प्लेस्ड perpendicular to the principal axis and displace it perpendicular to the principal axis, then the number of image formed will be 2. So isme main note karunga ye, if a spherical mirror ye dono ke liye chahe convex ho ya concave ho is cut at the middle and displaced perpendicular to the perpendicular to principal axis. Each part will form a different image. तो अब जितने पार्ट्स हैं आप मैंने दो किए तो दो इमेज बनेंगे। तो इस तरह से एक इमेज की दो इमेज बनेगी, तो टू इमेज, या यहां पे भी टू इमेज। अब और एक कंसेप्ट है इसमें, और एक कंसेप्ट है यहां पे, दैट इज अगर आप इसी मिरर को कट करोगे, इस मिरर को आप कट करते हो और फिर क्या करते हो, आप डिस्प्लेसमेंट देते हो अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस या पीछे।
आगे या पीछे along the principal axis of displacement देते हो, तो उस केस में भी कितनी इमेज बनेगी वो हमने देखना है यहाँ पे। चले let's have a look at it। लेकिन कन्वेक्स के लिए भी आप ये रिजल्ट यूज करोगे। चले ये मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया है, लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसकी इमेज सपोज इनिशियली यहाँ पे बन के आए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बीच में कट देता हूँ ऐसे। जब मैं इसको कट करता हूँ उसके बाद मैं इसको आगे लेता हूँ या पीछे ले जाता हूँ, एक को अपनी जगह पे सपोज मैं रखूंगा, या दोनों को आप शिफ्ट कर सकते हो ऐसे। यह प्रिंसिपल एक्सिस है, फिर से इसको मैं अपनी जगह पे रखूंगा। ये है ऑब्जेक्ट ओ, ये ऑब्जेक्ट ओ है, ये पोर्शन जो अपर पोर्शन, लेट्स सपोज मैं इसको अपनी जगह पे ही छोड़ता हूं, तो ये अपनी जगह पर है ऐसे, तो ये अपनी जगह पर है, तो इसकी वजह से जो इमेज आएगी वो फिर से उसी डिस्टेंस पे बनेगी, तो इसकी इमेज फिर से यहीं पे बनेगी। अब जब दूसरा पोर्शन लोअर पोर्शन, इसको मैं पीछे ले जाता हूं, लेट्स सपोज मैं इसको पीछे ले जाता हूं ऐसे, यहां पर मैंने लिया है इसको। देखो प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है, प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है यहां पे, जो प्रिंसिपल एक्सिस इस पोर्शन के लिए वही प्रिंसिपल एक्सिस इस पोर्शन के लिए भी, तो अब देखो इमेज इसी पे लाई करेगी। लेकिन कहां पे, अब देखो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सब चेंज हो गया है, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सब डिफरेंट है, इसके लिए डिफरेंट इमेज बनाया गया। सपोज इसने यहां पर अब इमेज बनाया, आगे ये यहां पे इमेज बना रहा है, सो देयरफॉर यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो इसमें भी दो इमेज बन गए, टू इमेज आर फॉर्म। That means, in short, अगर आप एक मिरर को कवर करते हो बाय सम ओपेक सबस्टेंस, कोई भी पोर्शन उसको आप हाइड करें आप, या कितने भी पोर्शंस बीच बीच में आप इसको आप हाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्मड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी सिंगल, इट विल फॉर्म इट्स इमेज एट द सेम पोजिशन, साइज भी सेम होगा, नेचर भी सेम होगा, खाली वहां पर इंटरसेप्ट इमेज डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा है जहां पे आप क्या मिरर्स को कट करते हो इनटू डिफरेंट पार्ट्स, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स में उसको आप रिमूव करते हो, स्पेसिफिक पोर्शन आप उसमें से रिमूव करते हो, लेकिन मिरर को आप डिस्टर्ब नहीं करते हो, जो जहां पर था वो उसी जगह पे रहता है, सो रिमेनिंग पोर्शन अपनी अपनी जगह पे रहता है, उसमें भी नंबर आपकी इमेज सिंगल बनेगी, और वहां पे भी क्या होगा, नेचर सेम होगा, पोजिशन सेम होगी, साइज सेम होगा, खाली इंटेंसिटी कम हो जाएगी वहां पे। अब तीसरी सिचुएशन ये है कि अगर आप मिरर को कट करते हो उसके बाद आप इसको शिफ्ट करते हो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उस केस में दो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की, और दोनों की इंटेंसिटी जो है वो कम होगी एज दैट ऑफ द ओरिजिनल इमेज। तो सिमिलरली यहां पर अगर आप यहां पे इसको शिफ्ट करते हो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस केस में भी यहां पे नंबर ऑफ इमेज फॉर्मड विल बी 2, तो यहां पर भी इमेज की इंटेंसिटी जो होगी, इस इमेज की इंटेंसिटी या इस इमेज की इंटेंसिटी, इट विल बी डिक्रीज्ड, ये कम होगी एज दैट ऑफ द ओरिजिनल इमेज, जो ओरिजिनल इमेज की इंटेंसिटी है, इनकी इंटेंसिटी जो है वो उस ओरिजिनल इमेज की इंटेंसिटी से कम होगी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट इमेज बनेंगी, दो इमेज। सो दिस आर अबाउट दिस कटिंग ऑफ मिरर्स या कवरिंग ऑफ मिरर, तो इसमें यही क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉर दिस वेलोसिटी रिलेशंस, अब हम वेलोसिटी रिलेशंस करेंगे, वेलोसिटी रिलेशंस। Velocity relationship spherical mirrors. चलो मैं क्या करता हूं यहां पे, हम spherical mirrors की बात करते हैं, spherical mirrors. ये दोनों के लिए है, चाहे आपके पास concave mirror हो या convex mirror हो, दोनों के लिए applicable है। देखो हम क्या करते हैं, हम यहां पे एक concave या convex mirror लेते हैं या spherical mirror लेते हैं, ये इसकी principal axis है ऐसे, इसकी कोई focal length होगी या Suppose. अब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट आप लेते हो, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, ऑब्जेक्ट ओ। अब यहां पे दो रिलेशंस में लूंगा, लास्ट में मैं दो रिलेशंस डिस्कस करूंगा। एक है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी वी पैरेलल डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा,
दूसरा है when this object will be moving in perpendicular direction, ऐसे या नीचे ऐसे, that is v perpendicular. मैं दो relations use करूंगा, एक है when the object is moving parallel to the principal axis, दूसरा है when it is moving perpendicular to the principal axis. पहले हम देखेंगे object moving along the principal axis. ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस. तो अगर ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे है, लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट यहां पे है, इट्स एट डिस्टेंस यू, ये यू डिस्टेंस पे है, इस मिरर की फोकल लेंथ क्या है, एफ. तो आपने बताना है इमेज की क्या वेलोसिटी आएगी. इस केस में जो रिलेशन आती है बिटवीन वेलोसिटी इमेज एंड ऑब्जेक्ट इमेज, तो वो ऐसे आती है वी आई एम वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल माइनस v square by u square v o m. v square by u square, v is image distance, u is object distance, this is velocity of image with respect to mirror, this is velocity of object with respect to mirror. और मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे minus m square, where m is lateral magnification, minus v by u into v o m, velocity of object with respect to mirror. और इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ भी आप लिख सकते हो एंड इमेज डिस्टेंस. सो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस टाइम्स, अगर आपको याद होगा एफ माइनस वी डिवाइडेड बाय एफ का होल स्क्वायर, एफ माइनस वी डिवाइडेड बाय, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में यू से रिप्रेजेंट करता हूं. रिलेशन आपको याद होगी मैग्निफिकेशन के लिए एम स्क्वायर के लिए, जो ऑलरेडी हमने लिखी है एफ माइनस बी बाई एफ का होल स्क्वायर और आएगा बी ओ एम. इसी तरह यहां पे आएगा एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इनटू वी ओ एम. ये रिलेशन हमने ऑलरेडी लिखी हुई है क्योंकि एम जो आता है इट माइनस बी बाई यू, सो एम स्क्वायर आएगा वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर के बदले मैंने एम स्क्वायर लिखा. फिर एम के लिए हम लेते हैं ये रिलेशन एफ माइनस वी बाय एफ भी हम लेते हैं इसके लिए रिलेशन एफ माइनस वी बाय एफ का होल स्क्वायर इनटू वी ओ एम. और इन टर्म्स ऑफ यू भी हम लेते हैं एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इनटू वी ओ एम. तो ये आएगी वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, लेकिन किस डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में, ऐसे व्हेन इट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस और ऑब्जेक्ट मूविंग perpendicular to principal axis. Object moving perpendicular to principal axis. So इस केस में जो velocity of image आती है, velocity of image along perpendicular direction is equal minus v by u into v o in this direction perpendicular direction. तो ये रिलेशन आता है उसमें. देखो इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में माइनस वी बाई यू आता है, लेकिन पैरेलल डायरेक्शन में क्या आ रहा था, माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और माइनस वी बाई यू के बदले आप एम लिख सकते हो एम वी ओ परपेंडिकुलर, और यू कैन राइट एफ माइनस वी बाई एफ वी ओ परपेंडिकुलर, क्योंकि एम का वैल्यू ही होता है और एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू इंटू वी ओ. So the last of image along perpendicular direction to the mirror equals the last minus times v by u into v of perpendicular. V is image distance, u is object distance. जैसे for example यहाँ पर है एक object, ये suppose ऐसे जा रहा है ऐसे, तो इसके लिए object distance इतनी है, तो इसकी पहले के लिए पर image बनेगी v होगी image distance. तो फिर image की जो perpendicular direction में जो speed आएगी that will be vi is equal to minus v by u into v of perpendicular, और ये रिलेशन आप भी डिस्कस सकते हो उसके लिए. चलो मैं इसमें दो तीन ऑब्जेक्टिव्स करूंगा, उससे आपको एक क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगा. हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स से. लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको देता हूँ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट motion of its image sp-
speeds, speed of image, उसके बाद suppose speeds, speed increasing होगी कि decreasing, increasing और decreasing. तो मैं पहले कॉनकेव मिरर लेता हूं. कॉनकेव मिरर के लिए मैं पहले ये रिजल्ट्स लिखूंगा. और कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये आप ऑब्जेक्टिव्स नोट करके रखेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं ये. पहले अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्रॉम इनफिनिटी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट आता है फ्रॉम इनफिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमें पता है जब ऑब्जेक्ट होगा इनफिनिटी पे इमेज आती है फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर. सो दैट मींस जब ऑब्जेक्ट आएगा फ्रॉम इनफिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज आएगी फ्रॉम फोकस टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इसलिए ऑब्जेक्ट इमेज की जो मोशन होगी इट विल बी फ्रॉम कहां से, शाबाश, फ्रॉम फोकस टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इस केस में क्या होगा, स्पीड ऑफ इमेज वी आई, चलिए मैग्नीट्यूड खाली मैं लेता हूं, स्पीड इट इज लेस देन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ इमेज इज लेस देन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. सो यहां पर क्या होगा, जो ही ये ऑब्जेक्ट जहां आएगा फ्रॉम इनफिनिटी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज आएगी फ्रॉम फोकस टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये यहां पर स्पीड जो है ये इंक्रीजिंग स्पीड से जाएगा, इंक्रीजिंग स्पीड, यानी जो इमेज आएगी इमेज विल मूव फ्रॉम फोकस टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर विद इंक्रीजिंग स्पीड, जितना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी वो इमेज स्पीड उतनी बढ़ेगी उसके लिए. मैं यहां पे इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, वो आप खुद देख सकते हो इसकी एक्सप्लेनेशन. नाउ फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टुवर्ड्स फोकस, अब जब ऑब्जेक्ट आएगा फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टुवर्ड्स फोकस, हमने पता है जब ऑब्जेक्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, जब ऑब्जेक्ट आता है बिटवीन सी एंड एफ इमेज आती है बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट आता है एफ पे इमेज बनती है इनफिनिटी पे. सो दैट मीन्स जब ऑब्जेक्ट आप लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ, इमेज आएगी फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टुवर्ड्स इनफिनिटी, तो फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टुवर्ड्स इनफिनिटी, तो इसमें क्या आएगा, इस केस में स्पीड ऑफ इमेज इट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी अगर ऑब्जेक्ट आता है 2 मीटर पर सेकंड तो इमेज की स्पीड होगी 2 मीटर से ज्यादा. सो अब इसके बाद यहां पे क्या आएगा, फिर से इसमें फिर से इंक्रीजिंग स्पीड आएगी, इंक्रीजिंग स्पीड, दैट मींस द इमेज विल शिफ्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टुवर्ड्स इनफिनिटी विद इंक्रीजिंग स्पीड, उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी. So now, उसके बाद है बिटवीन, जब ऑब्जेक्ट जाएगा फ्रॉम फोकस टुवर्ड्स पोल, जब ऑब्जेक्ट जाएगा फ्रॉम फोकस टुवर्ड्स पोल तो इमेज कहां जाएगी, फ्रॉम इनफिनिटी टुवर्ड्स पोल, लेकिन कहां पे, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि इस केस में अगर आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर फोकस एंड पोल, when the object is placed between principal focus and pole, in case of concave mirror, image formed is virtual, वो behind the mirror आती है, इसलिए वो from infinity towards pole आएगा. तो यहाँ पर फिर से आप देखेंगे, last step image, speed of image, it is greater than speed of object. इसमें speed of image it will be greater than speed of object. लेकिन यहाँ पे क्या होगी, decreasing speeds. So that means when the object moves from principal focus towards the pole, its image moves from infinity towards the pole behind the mirror, from infinity towards the pole behind the mirror with decreasing speeds, उसकी speed continuously decrease हो जाएगी. लेकिन in general जब हम देखेंगे speed of image, उस case में हमेशा आएगी speed of object से ज्यादा. So ये हो गया यहाँ पे convex mirror के लिए, concave mirror के लिए. अब इस तरह convex mirror, अगर हम convex mirror की बात करेंगे, यही है ऑब्जेक्ट, फ्रॉम जब ऑब्जेक्ट आएगा कहां से, फ्रॉम इनफिनिटी टुवर्ड्स पोल, कन्वेक्स मिरर में जब ऑब्जेक्ट आएगा फ्रॉम इनफिनिटी टुवर्ड्स पोल, हमें पता है इमेज कहां से आएगी, फ्रॉम पोल, फ्रॉम फोकस टुवर्ड्स पोल,
from focus to pole. क्योंकि हमने पता है your object is at infinite image at focus. At pole image is formed at pole in case of convex mirror. So when the object is in any point between pole and center of curvature, image is formed between pole and principal focus. यानी वो virtual image आती है. तो इसमें क्या आती है? Image speed, speed of image, vi. It is always less than the speed of object. Speed of image is less than the speed of object. So in case of convex mirror. और यहाँ पे लेकिन याद रखें यहाँ लिखना है behind the mirror क्योंकि ये आपके virtual image इस केस में. और यहाँ पे अगर आप relatively देखेंगे तो ये increasing speed आएगा, increasing speed. यानी जब object आएगा from infinity towards pole, image आएगी from focus towards the pole, लेकिन इमेज की डिस्टेंस स्पीड हमेशा कम होगी ऑब्जेक्ट की स्पीड से. और लेकिन वहां पे जो ही ये ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा इस कन्वेक्स मिरर के नजदीक आएगा, जो ये ऑब्जेक्ट कन्वेक्स मिरर के नजदीक आएगा इमेज यहाँ फोकस से पोल के नजदीक आएगी ऐसे, लेकिन कंटिन्यूअसली उस इमेज की स्पीड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. तो इसमें कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स में जो साइड मिरर्स होते हैं वो कन्वेक्स मिरर होते हैं. व्हीकल्स में जो साइड मिरर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कन्वेक्स मिरर्स होते हैं. तो जो हमारे पीछे गाड़ी होती है अगर वो बहुत दूर होती है, जिस टाइम वो बहुत दूर होती है हमारी गाड़ी से, तो उस वक्त जो इमेज की स्पीड है उस गाड़ी की, उसकी स्पीड कम होगी. जो ही वो गाड़ी आगे आएगी हमारे नजदीक नजदीक पहुंचेगी, इमेज भी यहां से हमारे नजदीक पहुंचेगी. सो कंटिन्यूअसली इस इमेज की स्पीड क्या होगी? इंक्रीज. सो दैट मीन्स एज द व्हीकल इज क्लोजर टू द मिरर, जो ही वो व्हीकल इस मिरर के बहुत करीब आएगी, यानी हमारी गाड़ी के बहुत करीब आएगी, व्हेन इट ट्राइज टू ओवरटेक, जब ये ओवरटेक करने की कोशिश करता है तो उस वक्त इमेज की जो स्पीड होगी वो उस वक्त क्या होगी? वेरी हाई होगी. दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. जो उस गाड़ी की स्पीड है अप्रोक्सीमेटली उसकी इमेज की स्पीड भी उस वक्त उसी के बराबर आएगी. सो इन शॉर्ट हम याद रखेंगे जब एक गाड़ी दूर होती है तो हमें मिरर में लगता है, जब हम साइड व्यू मिरर में देखते हैं तो उसकी स्पीड कम होती है, उस इमेज की स्पीड कम होती है. जो ही वो गाड़ी आगे नजदीक नजदीक आती है स्पीड ऑफ द इमेज आल्सो इंक्रीजेस. जो ही वो गाड़ी बिल्कुल हमारे करीब आएगी स्पीड होगी उस वक्त मैक्सिमम, और जिस वक्त ये ओवरटेक करेगा उस वक्त स्पीड ऑफ द इमेज इट विल बी इक्वल द स्पीड ऑफ दैट कार. जो स्पीड उस कार की होगी उसकी इमेज की भी स्पीड उस टाइम वही होगी. सो ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. सो नाउ लेट्स मूव अहेड फॉर अदर एक्सरसाइजेस. सपोज क्वेश्चन ऐसे हैं, we're having a concave mirror like this, इसकी focal length है suppose 10 cm, focal length इसकी 10 cm है, object यहाँ पर है, object O, it moves towards the mirror with speed 3 m/s, mirror जो है ये rest पर है, mirror rest पर है, तो आपने बोला है when it is at a distance of 30 cm from the pole, जब ये ऑब्जेक्ट 30 cm पे होगा फ्रॉम द पोल आपने उस टाइम इसकी स्पीड बतानी है. सो फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज when ऑब्जेक्ट मूविंग द स्पीड m/s is at 30 cm in front of a mirror of a fixed mirror. So ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस की परपेंडिकुलर, इट्स ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस. तो हमने सिंपली रिलेशन इसके लिए पता है VIM is equal -v² - v² / u² VOM, ये मुझे रिलेशन पता है तो मैं यही रिलेशन इसके लिए यूज करूंगा. देखो अब मेरे पास अननोन है v और u, u पता है मेरे 30, तो मुझे पहले v चाहिए, मैं पहले v निकालूंगा. v हम कैसे निकालेंगे? मिरर फार्मूला से. सो v हमें पता है v विल बी इक्वल टू uf / u - f. हियर u
यू कितना है 30 सेंटीमीटर मगर माइनस माइनस 30 इनटू एफ कितना है 10 सेंटीमीटर लेकिन माइनस क्योंकि कंकेव मिरर है डिवाइडेड बाय यू इज माइनस 30 माइनस माइनस इज प्लस 10 माइनस और माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10 हो गया सो इट इज 300 डिवाइडेड बाय माइनस 20 30 माइनस 10 इट्स 20 विद नेगेटिव माइनस 20 ऊपर बनेगा प्लस 00 कैंसिल इट इज माइनस 15 सेंटीमीटर सो वी आर गेट माइनस 15 सेंटीमीटर अब आप निकाल सकते हो यहां पे इसकी इमेज क्या आएगी सो द लास्ट स्टेप इमेज चलो वी आई माइनस वी एम इज इक्वल माइनस टाइम्स वी इट्स माइनस 15 यू माइनस 30 का होल स्क्वायर वी ओ माइनस वी एम देखो इट इज नेगेटिव नेगेटिव ये कैंसिल होगा 15 वन आर 15 दो आर 30 तो 1 बाई 2 का होल स्क्वायर इज 1 बाई 4 वी एम इज 0 सो वी आई इज इक्वल माइनस 1 बाई 4 माइनस ये बाहर का 1 बाई 2 का होल स्क्वायर इज 1 बाई 4 वी ओ कितना है इट इज 3 माइनस वी एम इज 0 सो वी आई इज इक्वल माइनस 3 बाई 4 माइनस 3 बाई 4 मीटर This will be the speed of the image. The image is speed of the image. Now, this is my own question. Suppose this is a convex mirror. Its focal length suppose is 20 cm. Now, object is here. Object is here at a distance of 20 cm. And it moves with a speed of negative sign here means opposite direction. So, if object is direction mein aise aa raha hai, image is direction mein aise ja rahi hai. So, now, ab yahan pe 20 cm object aise ja raha hai. Let's suppose object moves with a speed of 4 meter per second. Aur mirror jo hai, let's suppose mirror is direction mein ja raha hai with speed vm is equal to say it is 2 meter per second. 2 meter per second of velocity of mirror. इस डायरेक्शन में ऐसे तो आपने निकाल लिया वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बी फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर कभी-कभी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा या सिंपल आगे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज मींस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और कभी-कभी ये ऐसे भी आ सकता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर या कभी ये ऐसे भी आ सकता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट तो ये तीन केसेस में मैं डिस्कस करूंगा एक वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इमेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर एंड इमेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी तो ये तीन केसेस हम इसमें डिस्कस करेंगे सो लेट्स गो फॉर इट जरा पहले मुझे बता दीजिए ये कौन सा केस है इज द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस It is moving along the principal axis. So object is moving along the principal axis. So hum kaun sa result use karenge? Vim is equal minus V by U ka whole square and V square by U square into VOM. Ye relation mein use karunga. Uske liye mujhe pehle V chahiye. Mujhe pehle velocity ki position chahiye yahan pe. V. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू पता है फोकल लेंथ पता है तो पहले हम वी निकालेंगे तो वी यहां पे कितना आएगा शाबाश यू एफ डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ बाय मिरर फार्मूला यू इट इज माइनस 20 एफ इट इज प्लस 20 क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है डिवाइडेड बाय यू माइनस 20 माइनस 20 क्योंकि एफ है 20 सो इट इज माइनस 20 माइनस 20
चले ऊपर अगर आप देखेंगे इट इज -400 डिवाइडेड बाय -40 जीरो जीरो कैंसल्स इट इज -- कैंसल इट इज 10 सेंटीमीटर प्लस मीन्स बिहाइंड द मिरर तो इमेज यहां पे बनेगी एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर सो दैट इज वी आर एट 10 सेंटीमीटर पे अब मैं पहले ए पार्ट लूंगा हमने निकालना क्या है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड यानी वी आई मैंने कैलकुलेट करना है तो वी आई माइनस वी एम इज इक्वल माइनस वी बाई यू होल स्क्वायर वी ओ माइनस वी एम पहला रिजल्ट हम यहां से निकालेंगे शाबाश वी आई ये मैंने निकालना है माइनस वी एम ये देखो अब यहां पे डायरेक्शन है ये डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव ये क्या आएगा नेगेटिव तो ये डायरेक्शन ऐसे ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस 4 आएगा मिरर इस डायरेक्शन में आएगा तो माइनस स्पीड होगी इसकी सो लास्ट में मिरर विल बी -2 मीटर पर सेकंड क्योंकि मिरर देखो हमने यहां पे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऐसे है तो ये यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन यहां से क्या है नेगेटिव डायरेक्शन तो ये स्पीड पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में तो इसकी स्पीड पॉजिटिव आएगी मिरर इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे तो इसकी स्पीड नेगेटिव आएगी सो -2 इज इक्वल वी वी कितना आया इट इज 10 यू इज -20 का होल स्क्वायर विद नेगेटिव साइन आउटसाइड बाहर नेगेटिव साइन है वी ओ वी आएगा 4 माइनस वी एम इज -2 अब देखो यहां पे 10 1 आर 10 2 आर -1/2 का होल स्क्वायर माइनस का जब हम स्क्वायर करते वो प्लस ही आ जाएगा सो इट इज 1/4 सो वी आई माइनस +2 इज इक्वल 1/4 इनटू माइनस प्लस सो 4 + 2 इज 6 सो इट इज 3/2 नाउ वी आई इज इक्वल 3/2 -2 इट इज -1/4 मीटर पर So then the last step image is -1/2 meter per second. So that means -means ये इस direction में जाएगा. जो observer ground पे होगा, उसको ऐसा लगेगा जैसे इस image जो है ये इस direction में किस speed से जाएगी? इस direction में speed 1/2 speed से जाएगी. यानी 0.5 meter per second से जाएगी. हो गया ये. अब B है यहाँ पे. Find velocity of image with respect to mirror. यानी VIM velocity of image with respect to mirror. तो VIM मैंने calculate करना है. So VIM is equal. शाबाश minus V by U का whole square into VOM. VO minus VM. चले फिर से हम substitute करेंगे. VIM is equal minus 10 by -20 शबाश का होल स्क्वायर वी ओ इज 4 वी एम इज -2 सो इट इज सिंपली इक्वल टू 10 1 आर 10 2 आर -1/2 का स्क्वायर इज 1/4 सो इट इज -1/4 इनटू 6 सो इट इज 3/2 -3/2 -3/2 मीटर पर सेकंड सो स्पीड ऑफ इमेज इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इट विल बी -3/2 मीटर पर सेकंड यानी कि इस डायरेक्शन फिर से हमें लगेगा इट मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 3/2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट तो अब तीसरा है यहां पे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज हमने पता है कितनी आ गई -1/2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमने पता है यहां पे कितनी आ गई इट इज 4 मीटर पर सेकंड तो वी आई ओ मैंने निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट तो वी आई ओ सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऐसे तो इट इज सिंपली वी आई माइनस वी ओ वी आई अभी मैंने निकाला इट वॉज -1/2 माइनस वी ओ इज 4 सो इट इज -1 -4 = 8 -9/2 meter per second. So that means velocity of image with respect to the object.
So we will ask them image with respect to the object. इसकी speed जो है with respect to this object, यानी जो observer for example यहाँ पर है, observer को लगेगा जैसे ये image इसकी तरफ किस speed से आ रही है, it comes with speed of -9/2 m/s. That's around 4.5 m/s. So towards the observer, towards left. तो ये आ गया यहाँ पे, इसमें आप ऐसे approach कर सकते हो ऐसे questions में. और एक question मैं यहाँ पे दूंगा, एक छोटा सा object है. चलिए, so let me take a concave mirror, convex mirror, तो convex mirror भी लेंगे, इसका right side curvature suppose है 60 cm, object मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, object at distance of 30 cm पे मैं एक object रखता हूँ, now object move करता है ऐसे इस direction में, with speed से 4 m/s. अब ऑब्जेक्ट मूव करता है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट मूव्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो इससे आपने यहां पे सिंपल यूज रिजल्ट करना है, कौन सा वी आई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इज इक्वल माइनस वी बाई यू इंटू वी ओ परपेंडिकुलर डायरेक्शन. हम ये रिजल्ट यूज करेंगे यहां पे फाइंड द लास्ट गैप एक्सप्लेनेशन. The last gap in range. देखो इजी है, हमने यहाँ पे v चाहिए, पहले v मुझे चाहिए, तो v मैं निकालूंगा बाय मिरर फॉर्मूला uf डिवाइडेड बाय u माइनस f. u इज -30, f इज 30, क्योंकि ये राइट सब कर्वेचर 60 है तो फोकल लेंथ आएगी 30 हाफ, और यहाँ पे ये कन्वेक्स में रहे तो पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय u -30 -30, so it is -900 divided by 60, -60, 0 cancel, 6 15 90, so v is equal to -15 + 15, minus minus cancel होगा, +15 cm, so that means image जो है, image is direct इस point पे बनेगी at a distance of 15 cm. अब हमें glass की निकाल लें image की, so vi along perpendicular direction is equal minus v 15, u -30, vo, vo is 4, above the principal axis, upwards, ये positive आएगा, 4 m/s, so which implies, minus minus cancel ही होगा, 15 1 are 15 2 are 30, 2 1 are 2 2 are 4, so it is 2 m/s, plus आगे, it means, image भी इसी direction में move करेगी ऐसे, with a speed of 2 m/s, ये ऊपर जाएगा with speed 2 m/s, तो इस तरह से आप इसमें क्वेश्चंस कर सकते हो. आई होप कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आप कर सकते हो. अब मैं थोड़ा सा इसमें एक एडिशनल एक क्वेश्चन दे, क्वेश्चन है ऐसे, मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, तो मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ से लेट्स सपोज इट इज 100 cm, 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, इस मिरर से 100 सेंटीमीटर पर है, और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर सपोज इट इज 20 cm, फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 20 cm, सो दिस ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ, ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 cm/s towards the mirror. Find the speed of image. Find the speed of image after 2 seconds. Or after 4 seconds, speed of image after 4 seconds. B. Find the
average speed, speed of image during these 4 seconds. देखो, एक आपने निकाल लिया है स्पीड ऑफ इमेज आफ्टर 4 सेकेंड्स, दूसरा आपने निकालना है यहां पे एवरेज स्पीड आफ्टर इन 4 सेकेंड्स. इन 4 सेकेंड्स में एवरेज स्पीड इस इमेज की क्या रही होगी. पहले हम पहला क्वेश्चन ये देखेंगे यहां पे. देखो, फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज आफ्टर 4 सेकेंड्स. पहले लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट इनिशियली यहां पर था, इट वॉज U1 कितना था -60 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कितनी है -27 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर. तो आप निकाल सकते हैं इसकी इमेज कहां पे बनेगी. लेट्स सपोज V1 कितना आएगा शाबाश, इट इज UF डिवाइडेड बाय U-F. अब U1 इज -60, F इज -20 डिवाइडेड बाय -60 -20. So it is 1200 divided by -40. So it is 30 centimeter. So it is at -30 centimeter. क्योंकि ये आएगा 6 × 2 = 12 0 = 1200 divided by -40. So 80 cancel 4 × 3 = 12. It's -30 centimeter. तो हो गया V1. अब इसी तरह, अब after 4 seconds, after 4 seconds. जरा मुझे बताया ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा. देखो, पर सेकंड इसकी स्पीड क्या है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है. सो अगर हम देखेंगे 4 सेकंड्स में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सो आफ्टर 4 सेकंड्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट O, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड. With constant speed 5 cm per second. अगर ये constant speed है तो हमने पता है distance किसके बराबर आएगी, speed into time. Speed कितनी है 5 cm per second. Time कितना है 4 seconds. Second second cancel, it is 20 cm. So that means ये अब आगे जाएगा यहाँ पे, object will move 27 cm forwards. So यहाँ पे जाएगा object का O dash. So अब U2, इसमें मैं रखूँगा U2 अब. Sorry, मैंने U1 रखा है 60 सेंटीमीटर, इट नॉट 100 सेंटीमीटर, इट इज 60 सेंटीमीटर. मैंने 60 के लिए यहाँ पे ये रिजल्ट्स लिखे, तो 60 सेंटीमीटर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे. सो अब ये आगे जा रहा है कितना, इट मूव्स फॉरवर्ड इन 4 सेकंड्स कितना 20 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे ये डिस्टेंस पे कितनी रहेगी, इट विल बी 40 सेंटीमीटर. सो U2 आएगा कितना शबाश, it will be -40 cm. इसकी focal length तो वो पता है यहाँ पे कितनी है, it is 20 cm minus. focal length है 20 cm. तो आप इसकी image distance निकालेंगे हम वहाँ पे. so it is U2F divided by U2 minus F. so U2 is -40, F is -20 divided by -40 + 20. so 800 plus 800 divided by -20, so it is -40 cm. देखो अब हमने क्या निकालना है, हमने यहाँ पे find speed of image after 4 seconds. 4 seconds के बाद मैंने देखनी है image कहाँ पे बनेगी. so 4 seconds के बाद object यहाँ पर है. so object distance यहाँ पर कितनी है, object distance है यहाँ पे -40 cm. इसकी इमेज डिस्टेंस कितनी आ गई, -40 cm पे आ गई इमेज डिस्टेंस भी. तो अब क्लियरली यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस आपने निकाल ली है. ऑब्जेक्ट स्पीड हमेशा क्या रहेगी, 5 cm per second. तो आप लास्ट स्टेप इमेज निकाल सकते हो. सो लास्ट स्टेप इमेज मिरर रेस्ट पे है. सो लास्ट स्टेप इमेज विल बी इक्वल टू V² / U² - V² / U² * VO, क्योंकि Vm 0 है, लास्ट टाइम मिरर 0 है, लास्ट टाइम मिरर 0 है, तो -Vm बनने का 0 0, तो उसी वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा. नाउ इट इज माइनस, इट इज -40 - 40 का होल स्क्वायर * VO. सो
So that's around minus 5 cm per second. तो ये बनेगा 1, वहां पे बचेगा खाली VO, VO कितना था? It was 5 cm per second, constant speed 5 cm per second, इसलिए इसके आगे minus 5 cm per second. तो ये आ गया A part, ये आ गया A part. B part क्या है? Find the average speed of image during these 4 seconds. ये image ने 4 seconds में यहां पर इसकी average speed क्या रही होगी? देखो यहां पे, average speed हम कैसे निकालेंगे? Total distance traveled by total time taken. अब जरा मुझे पता है जब ऑब्जेक्ट था यहां पर 60 सेंटीमीटर पे इमेज उस वक्त कहां पर थी इमेज थी माइनस 30 सेंटीमीटर पे सो जब ऑब्जेक्ट था 60 सेंटीमीटर पे इमेज उस टाइम में यहां पर थी माइनस 30 सेंटीमीटर पे सो फिर जब ऑब्जेक्ट आ गया यहां पे इमेज भी यहीं पर आ गई 30 सेंटीमीटर पे सो इसका मतलब इमेज पे टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है सो v इनिशियल था माइनस 30 v फाइनल कितना है माइनस 40 तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द इमेज इज 10 सेंटीमीटर पर 10 सेंटीमीटर इसकी एवरेज डिस्टेंस है तो ये किस डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में है सो दैट मींस यहां पे ये डिस्टेंस जो ट्रैवल करती है इमेज इमेज इन 4 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है इनिशियली इसकी स्पीड क्या थी इसकी पोजीशन क्या थी माइनस 30 सेंटीमीटर फाइनली इसकी स्पीड क्या है माइनस 40 सेंटीमीटर तो डिस्टेंस इनके बीच में कितनी आएगी माइनस में इस डायरेक्शन में माइनस 30 इधर हो गया माइनस 40 इधर हो गया तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है इसने 10 सेंटीमीटर इसने डिस्टेंस ट्रैवल की है कितने टाइम में 4 सेकंड्स में तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी वी एवरेज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इट इज 10 सेंटीमीटर टोटल टाइम कितने टाइम में 4 सेकंड्स में सो इट इज अराउंड 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड ये इसकी एवरेज स्पीड आएगी किसकी प्लेन मिरर यहां पे रखा है ऐसे प्लेन मिरर मैंने ऐसे रखा है सपोज डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स ये डिस्टेंस यहां से यहां तक लेट्स अज्यूम इट टू बी से 40 सेंटीमीटर मैंने 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखी है यहां पे या सपोज इट इज 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस में रखता हूं बिटवीन द टू मिरर्स अब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट यहां पे आपने रखा हुआ है ये है ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट इट इज एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को आप किस डिस्टेंस में रखते हो 30 सेंटीमीटर पे आप रखते हो फ्रॉम द कंकेव मिरर तो आपने बोला यहां पे फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज Final image assuming only two reflections are possible. आपने यहां पे इमेज की पोजीशन बतानी है फाइनल इमेज की पोजीशन बतानी है लेकिन यहां पे हम क्या एज्यूम करेंगे ओनली टू रिफ्लेक्शन आर पॉसिबल देखो दैट मींस कि अगर ये 30 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस कितनी है 80 तो यहां से यहां तक है 30 सेंटीमीटर ये है 50 सेंटीमीटर तो पहली रिफ्लेक्शन कहां से हम लेंगे कंकेव मिरर से हम लेंगे पहली रिफ्लेक्शन क्योंकि इसमें ये कम है डिस्टेंस तो हम यही लेंगे यहां पे पहली रिफ्लेक्शन तो दूसरी रिफ्लेक्शन कहां से लेंगे फिर इस प्लेन मिरर से हम दूसरी रिफ्लेक्शन लेंगे तो उसी रिफ्लेक्शन पे जो इमेज आएगी वही होगी फाइनल इमेज मैंने यहाँ पे बोला है दो ही रिफ्लेक्शंस पॉसिबल है तो एक होगी कंकेव मिरर से एक होगी प्लेन मिरर से अब ये ऑब्जेक्ट नजदीक है कंकेव मिरर से इसलिए पहले रिफ्लेक्शन हम कंकेव मिरर से लेंगे तो दूसरी हम कहां पे लेंगे प्लेन मिरर से अगर वहीं पर मेंशन होगा क्वेश्चन में कि पहले रिफ्लेक्शन आपने कहां से लेनी है देन यू हैव टू फॉलो दैट अगर नहीं लिखा होगा तो आप जो नजदीक का होगा आप वहीं से पहले रिफ्लेक्शन लिया करें इस केसेस में सो चले अब देखिए यहाँ पे पहली रिफ्लेक्शन कहां से होगी कंकेव मिरर से तो पहले इमेज बनाएगा कंकेव मिरर तो मैं इसके लिए पहले दिखाऊंगा यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन क्या आएगी सो इसके लिए फोकल लेंथ कितनी है माइनस 20 सेंटीमीटर फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए
सो यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है -30 सेंटीमीटर। देखो क्लियरली आप बता सकते हो यहाँ पे, ये देखो ये है यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, तो ये यहाँ से पॉजिटिव आएगा, यहाँ से आएगा नेगेटिव, इसलिए यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा -30 सेंटीमीटर। मैंने वी निकालना है इसके लिए, तो वी इसके लिए क्या आएगा शाबाश, यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ, यू इज -30, एफ इज -20, -30 माइनस माइनस प्लस 20, सो इट इज 600 डिवाइडेड बाय -10, इट इज -60 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो पहली इमेज बनेगी, पहली इमेज कहां पे बनेगी, एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से 60 सेंटीमीटर पे ये बनेगी इमेज, पहली इमेज, यानी ये ऐसे जाएगा, एक रे आप ऐसे डालेंगे, ये वापस इसी डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट होके आएगा ऐसे यहाँ पे, दूसरी रे आप ऐसे डालोगे ऐसे, तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी यहाँ पर, तो ये बनेगी पहली इमेज इस मिरर से। अब एक रे इधर से ऐसे आ रही है, दूसरी रे यहाँ पे ऐसे जा रही है ना, अब देखो ये यहाँ पर इस मिरर को स्ट्राइक करेगी, प्लेन मिरर को, अब प्लेन मिरर के लिए ये एक्ट करेगा एज ऑब्जेक्ट, तो एक रे यहाँ से आ रही है, दूसरी रे ऐसे आ रही है, तो ये होगा ऑब्जेक्ट किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए। टोटल डिस्टेंस कितनी थी 80 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना आया था 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर आ गया था यहाँ पे, तो ये बचा कितना 20 सेंटीमीटर। तो आपने पता है इनके सब प्लेन मिरर, इनके सब प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स है इमेज डिस्टेंस, तो इसका मतलब जो फाइनल इमेज बनेगी वो फाइनल इमेज ऐसे बनेगी। इसने बोला है कि दो ही रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, तो यही फाइनल इमेज यहाँ पर बनेगी। तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो इसी तरह मैं दूसरा यहाँ पे देता हूँ ऑब्जेक्टिव, सपोज ये है मेरे पास एक कन्वेक्स मिरर का, हम लेंगे ये कन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ है इसकी 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप एक प्लेन मिरर रखते हो, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, सो लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इज हियर, चले ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे रखूंगा, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक मैं रखता हूं, टोटल डिस्टेंस इट इज सपोज 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर है, तो ये यहां से यहां तक ये डिस्टेंस जो है इट इज से 20 सेंटीमीटर, तो आपने निकाल लिया है, यही है फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज ओनली assuming only two reflections are possible. So taking first reflection from plane mirror, क्योंकि ये इसके नजदीक है, तो first reflection plane mirror से लेंगे, तो आपने बतानी है final image की position क्या होगी। देखो ये same question है जो ऊपर हमने किया है, वही question है, कोई change नहीं है इसमें, position of final image after two reflections. देखो पहले reflection कहाँ से होगी, plane mirror से, तो plane mirror से पहली image बनेगी, ये एक ray ऐसे जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी, दूसरी रे ऐसे जाएगी, ये यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्ट होके निकलेगी ऐसे, सो नाउ दीज टू रेज अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट, तो हमें ऐसा लगे जैसे ये यहाँ पर मीट करते हैं, तो ये बनेगी इमेज आई वन, ये किस डिस्टेंस पे बनेगा 20 सेंटीमीटर पे, ये इमेज डिस्टेंस होगी 20 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे जरा देखें, एक रे जो यहाँ पर आ रही थी वो ऐसे रिफ्लेक्ट होके गई वापस, दूसरी रे जो यहाँ पर ऐसे जो यहाँ पर आपने ऐसे इंसिडेंट की थी वो ऐसे जा रही है, नाउ इट स्ट्राइक दिस कन्वेक्स मिरर, या इस कन्वेक्स मिरर को स्ट्राइक करती है, तो ये रे और ये रे, दीज रेज नाउ दीज स्ट्राइक द कन्वेक्स मिरर, ये इस कन्वेक्स मिरर को स्ट्राइक करती है, सो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है आई वन, ये इसके लिए क्या एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा, सो दैट मीन्स सो यू इज इक्वल शाबाश, ये अब ऐसे जा रही है रेज, ऐसे जा रही है रेज, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन, ये 60 था यहां से यहां तक, प्लस आगे 20, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट जो आएगा वो कितना होगा
माइनस 80 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ इसकी कितनी है, प्लस 20 सेंटीमीटर। तो आपने इसकी इमेज बतानी है, इमेज कहाँ पे बनेगी। तो v इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। यू इज माइनस 80, एफ इज 20, माइनस 80, माइनस 20, सो इट इज 1600 माइनस डिवाइडेड बाई माइनस 100, डबल जीरो कैंसिल, 16 सेंटीमीटर। तो प्लस 16 सेंटीमीटर, तो यह फोटो इमेज बनेगी प्लस 16 इस साइड से आएगी, यहाँ पे फाइनल इमेज बनेगी आई फाइनल, which will be at a distance of 16 cm from this connection is 16 cm pe. So therefore ye yahan pe aise reflect hogi, to ye yahan par aise reflect hoke nikalegi, aise reflect hoke nikalegi. Now these two rays appear to meet at this point, ye yahan par final image banegi. So humne in short isme yaad rakha hai, jo ek mirror banata hai image, जो एक मिरर बनाएगा इमेज फर्स्ट मिरर, वो सेकंड मिरर के लिए क्या एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। तो इसी तरह मैं आप इसमें और एक दो क्वेश्चन जल्दी जल्दी शो करूंगा। चलिए मैं यहां पे लेता हूं ये एक कॉनकेव मिरर है, यह है कॉनवेक्स मिरर, इसकी फोकल लेंथ सपोज 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ सपोज 20 सेंटीमीटर है, ये इनकी कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है, कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या करते हो, अब ऑब्जेक्ट यहां पे रखते हो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स है सपोज नाउ इट इज 100 सेंटीमीटर। मैंने डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स रखा कितना, 100 सेंटीमीटर। सपोज ऑब्जेक्ट जो है इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से 40 सेंटीमीटर पे है ऑब्जेक्ट ऐसे। तो आपने निकाल लिया यहां पे फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज अज्यूमिंग only 3 reflections are possible, तो यहां पर मैं 3 reflections की बात करूंगा। यहां इस क्वेश्चन में मैं 3 reflections रखता हूं। सो पहली रिफ्लेक्शन देखो, टोटल डिस्टेंस कितनी है 100 सेंटीमीटर, तो अगर ये 40 है तो ये 60 आएगा, तो ये नजदीक है इसमें, तो पहली रिफ्लेक्शन हम यही से लेंगे। सो फर्स्ट रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर से, सेकंड कॉनवेक्स से, थर्ड वापस आएगी कॉनकेव मिरर से। तो ये 3 रिफ्लेक्शंस के बाद आपने निकाल लिया इमेज कहां पे बनेगी। तो पहले के लिए, पहले रिफ्लेक्शन के लिए जरा ये देखें फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर, राइट साइड कर्वेचर क्या बनेगा 40 सेंटीमीटर। सो इसके मतलब जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है, ऑब्जेक्ट हमने कहां पे रखा हुआ है एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, दैट मींस दैट राइट साइड कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट आता है उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आएगी। सो पहली की इमेज जो आएगी पहली रिफ्लेक्शन में, फर्स्ट रिफ्लेक्शन v1 जो आएगा इट इज माइनस 40 सेंटीमीटर, चलिए यहां पर वापस इमेज ही पर बनेगी i1 माइनस 40 सेंटीमीटर पे। सो असल में यहां पे क्या होगा, ये ऐसे एक रे जाएगी, दूसरी रे ऐसे जाएगी, तो ये भी रिट्रेस करेगी अपनी पाथ, ये भी रिट्रेस करेगा अपनी पाथ, तो ये यहाँ पर मीट करेंगे। नाउ ये रे और ये रे, ये आप इस पे आप इंसिडेंट करेंगे इस कन्वेक्स मिरर पे। तो कन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट अब ये एक्ट करेगा I1 विल एक्ट ऑब्जेक्ट फॉर दिस कन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी आएगी 60 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल था 100, ये आगे 40 इधर से आगे, इधर से कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। सो सेकंड रिफ्लेक्शन so u is equal to minus 60 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसके लिए आएगा ऑब्जेक्ट, जो पहले रिफ्लेक्शन में इमेज बनी I1 वो इसके लिए क्या करेगा ऑब्जेक्ट। सो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से यहां तक है 60 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल था 100। सो u इज इक्वल टू माइनस 60, फोकल लेंथ क्या है प्लस 20, f इज इक्वल प्लस 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वो कन्वेक्स मिरर है। तो आप मुझे बताएं v uf डिवाइडेड बाई u माइनस f, माइनस 60
माइनस 20 सॉरी प्लस 20 डिवाइडेड बाय माइनस 60 माइनस 20 सो इट इज माइनस 1200 डिवाइडेड बाय माइनस 80 माइनस माइनस प्लस बनेगा माइनस 80 तो 0 0 कैंसल्स 8 सो 4 टू 8 4 30 हो गया 120 सो 2 1 आर 2 15 आर सो 15 आएगा 15 सेंटीमीटर प्लस लेकिन प्लस 15 सेंटीमीटर आएगा ये हाँ देखो प्लस 15 सेंटीमीटर मीन्स इमेज यहां पर बनेगी ये अराउंड यहां पर बनेगी इमेज 15 सेंटीमीटर आई टू ये आएगा यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर तो दैट मीन्स ये रे जो यहां पे आई थी ये अब ऐसे रिफ्लेक्ट होके निकलेगी चले तो ये यहां पर इस मिरर को स्ट्राइक करेंगे वापस थर्ड फ्लैश हम देते हैं तो ये यहां पर करेगा इसको रिफ्लेक्ट वापस तो आप इस मिरर के लिए आई टू क्या एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट सो फॉर थर्ड रिफ्लेक्शन यानी फाइनल इमेज जो बनेगी अब यू उसके लिए देखिए कि टाइगर यू देखो ये यहां से यहां तक 100 प्लस आएगा 15 क्योंकि आई टू जो इस रिफ्लेक्शन में इमेज बनेगी सेकेंड रिफ्लेक्शन में जो इमेज बनी वो अब इसके लिए क्या एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट ये है 100 प्लस 15 115 आएगा यू इज इक्वल टू माइनस 115 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ कितनी है माइनस 20 सेंटीमीटर तो आपने निकालना है उसके लिए वी तो वी थ्री यानी वी फाइनल इज यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ यू इज माइनस 115 माइनस एफ इट इज माइनस 20 डिवाइडेड बाई माइनस 115 प्लस 20 सो इट इज हियर माइनस माइनस बनेगा प्लस सो 0 330 ये बनेगा 2530 सो डिवाइडेड बाय 95 माइनस 95 आएगा माइनस 95 तो ओवरऑल आपको यहाँ पे ये रिजल्ट मिलेगा इन सेंटीमीटर्स तो फाइनल इमेज हमें यहाँ पे मिलेगी 2300 डिवाइडेड बाय 95 नेगेटिव साइन मीन फाइनल इमेज इसी साइड में कहीं पर बनेगी आपको सो दिस इज ऑल अबाउट दिस दिस क्वेश्चन क्वेश्चन अब ऐसे हैं हमारे पास दो कनकेव मिरर्स हैं ऑफ आइडेंटिकल फोकल लेंथ्स इक्वल फोकल लेंथ्स दो मिरर्स हैं मेरे पास इसकी फोकल लेंथ भी एफ है इसकी फोकल लेंथ भी एफ है आप इनके सेंटर पे एक ऑब्जेक्ट को रखते हो हम क्या करते हैं दो कंकेव मिरर से हमारे पास ऑफ इक्वल फोकल लेंथ एफ ईच ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट द मिडवे बिटवीन द टू मिरर्स आपने बोलना है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू मिरर्स व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू मिरर्स सो दैट द इमेज इज फॉर्मड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ सो व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन टू मिरर्स ऑफ सेम फोकल लेंथ एफ सो दैट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड मिडवे between them so that the image of the object placement midway between them is formed on the object itself what should be the distance between these two concave mirrors so that jo image banegi वो इमेज जो होगी दैट मस्ट कोइंसाइड द ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट पर ही वो इमेज आनी चाहिए तो देखो यहां पे ये दो आंसर से इसके एक आंसर ये है सपोज अब मुझे पता है यहां पे एक ऑब्जेक्ट की इमेज कब उसी पे आती है एक ऑब्जेक्ट की इमेज किस सिचुएशन में सेम पॉइंट पे आती है अगर ऑब्जेक्ट लाई करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर
अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही आएगी. सो दैट मीन दिस ऑब्जेक्ट मस्ट लाई एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर. सो दैट मीन ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 2f होनी चाहिए. नाउ इसी तरह अब ये जो यहां पर इमेज बनी वो एक्ट करेगा इसके लिए ऑब्जेक्ट. सो आप मुझे बताएं यहां पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज कब इसी पर बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कब इसी ऑब्जेक्ट पर ही बनेगी अगर फिर से ये ऑब्जेक्ट कहां पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर. सो दैट मींस ये डिस्टेंस फिर से कितनी होनी चाहिए 2f. तो टोटल डिस्टेंस जो d आएगी डी शुड बी इक्वल टू 4f. सो दैट मींस ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पर कब आती है अगर ऑब्जेक्ट कहां लाई करता है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. आपने कन के मिरर में पढ़ा था, कन के मिरर में if the object is at center of curvature, its image is also at center of curvature. So that means अगर object पर ही image बनानी है तो ये distance कितनी होनी चाहिए, it should be equal to radius of curvature, that is 2f. तो अगर आपने इस object की image इसी पर बनानी है तो ये distance कितनी होनी चाहिए, it should be equal to 2f. तो what is the distance between the two mirrors, it should be equal to 4f. Okay, एक दूसरी situation है, suppose अगर ये एक कन के मिरर है, ये दूसरा कॉनकेव मिरर है, ये इनकी कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है यहां पे मिडवे पे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा है यहां पे, इट इज एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस मिरर. ये इस मिरर के प्रिंसिपल फोकस पे लाई करता है, तो मुझे पता है जो रेज यहां से वापस निकलेंगी वो ऐसे वो पैरेलल निकलेंगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर ये प्रिंसिपल फोकस है इस मिरर का, यानी अगर ये एफ है यहां से यहां तक, तो जो रे ऐसे निकलेगी एक दूसरी ऐसे आएगी, ये वापस रिफ्लेक्ट होके निकलेगी, ये यहां पर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस आएगी ऐसे. नाउ अब ये इस मिरर पे स्ट्राइक करेंगे, अब इस मिरर पे ये पैरेलल रे ऐसे आती है ये, तो आपने पता है ये कब फोकस, ये कब कहां पे पास होगी, इट विल पास थ्रू इट्स फोकस. So, अगर ये यहां पर ये ऑब्जेक्ट अगर आपने इसके फोकस पर ही रखा है, अगर ये ऑब्जेक्ट आपने इसके फोकस पे रखा है, तो फाइनल इमेज जो बनेगी, फाइनल इमेज वापस इसी ऑब्जेक्ट पर ही बनेगी. सो दैट मींस यहां पे अगर d इज इक्वल टू f है, अगर d इज इक्वल टू f है या d इज इक्वल 4f है, इफ द सेपरेशन बिटवीन द टू कॉनकेव मिरर्स ऑफ सेम फोकल लेंथ इज f ईच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4f और 2f and an object is placed in midway between the two mirrors, then its image is formed on the object itself. Uski jo image aayegi is object ki, wo image par hi banti hai. So this was all about this question. So ab isme main final ek question karunga jo graph pe hai. So we will conclude with that question. To usi question ke sath hum conclude karenge. Chale. चलो क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्राफ बिटवीन 1/v and 1/u फॉर स्फेरिकल मिरर, फॉर स्फेरिकल मिरर. ये आपने प्लॉट करना है 1/v versus 1/u ग्राफ फॉर एनी स्फेरिकल मिरर. तो मुझे रिलेशन पता है मिरर फॉर्मूला से, 1/v + 1/u इज इक्वल 1/v. तो 1/v अपनी जगह पे रखेंगे, 1/u इस साइड में क्या बनेगा, -1/u + 1/f. देखो 1/v कौन सी एक्सिस है, y, माइनस 1/u कौन सी एक्सिस है, x प्लस c, y इज इक्वल माइनस x प्लस c, सो इट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप है -1 और इंटरसेप्ट है c, दैट इज 1/f. तो दैट मींस जो इंटरसेप्ट आएगा वो यहां पर होगा 1/f, दिस इज 1/f इंटरसेप्ट. स्लोप नेगेटिव मींस ये ऐसे आएगा, स्लोप इज इक्वल टू -1, ये यहां पर फिर से आएगा 1/f, क्योंकि यहां पर फिर से आपने ये 1/f. देखो क्यों, आपने पता है यहां पे इस एक्सिस पे 1/u का वैल्यू कितना आएगा, 0. यहां पे हमेशा 1/u का वैल्यू 0 है, तो अगर आप ये पॉइंट लेंगे 1/v आप पुट करेंगे 0, अगर 1/v 0 आता है, 1/u किसके बराबर आता है, 1/f. तो दैट मींस ये पॉइंट जहां पर ये लाइन टच करेगी किसको, 1/u एक्सिस को, ये भी होगा 1/f. सो दिस आर अबाउट दिस प्रॉब्लम.
सो लेट्स कंक्लूड हियर. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अब रिफ्रैक्शन पार्ट स्टार्ट. थैंक्स.